बिहार शिक्षक भर्ती 2.0 के ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे आप दोस्तों को एक आवश्यक सूचना के साथ सूचित कराने आया हूँ। यहाँ पे काफ़ी दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो बिहार शिक्षक भर्ती आपकी होने वाली है उससे को लेकर यहाँ पे काफ़ी अपडेट है। यहाँ पे एक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कि आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया आखिरकार कब से चालू हो जाएगी और आपकी एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, आप में यहाँ पे किन किन बीएड वाले, सीटेट और एसटेट कौन से अभ्यर्थी यहाँ पे फॉर्म सही से अप्लाई कर सकते हैं, तो पूरी डेट यहाँ पे जितना भी डाटा यहाँ पे है आपको क्लियर, बिल्कुल विदाउट टेंशन के आपके यहाँ पे डाटा क्लियर किया जाएगा। तो आइए दोस्तों, मैं बात करता हूँ यहाँ पे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर यहाँ पे कि आखिरकार जो आवेदन प्रक्रिया है ये कब से चालू हो जाएगी और आप सभी लोगों को शिक्षक की भर्ती जो इसमें आई है और प्रधानाध्यापक की जो भर्ती आई है उसका आप लोग लाभ उठा सकते हैं और अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं कैसे और कब से, ठीक है। चलिए दोस्तों, आते हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन पे। तो नोटिफिकेशन तो आप लोग देख ही चुके होंगे एक बार, और आप मैं दोबारा यहाँ पे एक चीज़ पढ़ के दिखाता हूँ कि नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है। क्लियरिटी से नोटिफिकेशन पढ़ना है कि द्वितीय प्रधानाध्यापक नियुक्ति एवं पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत जो शिक्षक की और प्रधानाध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक विद्यालय कौन से वर्ग के कक्षा 6 से 8 और माध्यमिक कक्षा 9 से 12 और वर्ग 11 से 12 तक के जो पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक यानी कि प्रशिक्षित, माध्यमिक शिक्षक यानी कि स्नातक प्रशिक्षित और आपका उच्च माध्यमिक प्रशिक्षक यानी कि स्नातोत्तर प्रशिक्षित यानी कि प्रधानाध्यापक से संबंधित जो आपकी ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है, आप सभी लोगों ने नोटिफिकेशन में देखा है कि आज की डेट यानी कि 3 नवंबर को से दी गई थी कि 3 नवंबर से 14 नवंबर 2023 तक, यानी कि आपकी जो नोटिफिकेशन है आपकी 3 नवंबर आज की डेट में है, लेकिन आज आपका 3 नवंबर को आपका ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया नहीं चालू हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको किसी प्रकार की घबराने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है कि 3 नवंबर से 14 नवंबर 2023 तक यह प्रक्रिया संभावित है, ठीक है। मतलब संभावित है यानी कि 3 से 14 के बीच में या 14 से भी आपकी ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो सकती है। और काफ़ी बच्चे यहाँ पे एग्ज़ाम डेट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, तो एग्ज़ाम डेट में आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे दिखाया गया कि 7 दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक संभावित है। तो ये मत मान के चलिए कि आपका 14 नवंबर से तक फॉर्म अप्लाई हो गया, 14 नवंबर से फॉर्म अप्लाई हो, देखो कम से कम फॉर्म अप्लाई करने का आपको कम से कम 15 से 20 दिन आपका दिया जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट आपका एग्ज़ाम दिसंबर में तो ये निश्चित ही नहीं है कि यहाँ इन डेटों में एग्ज़ाम्स हो जाए, तो कम से कम आपको 1 से 2 महीने का एग्ज़ाम डेट का मौका भी मिलता है, क्योंकि पेपर बनते हैं, टाइम भी लगता है, हर चीज़ में काम करने में टाइम लगता है। तो आपको मान चलिए जब से आपका फॉर्म ऑनलाइन होगा उससे 1 से 2 महीने आपकी कंप्लीट तैयारी करने का मौका ज़रूर मिलेगा। यहाँ पे एग्जैक्टेड डेट नहीं है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड डेट है, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं संभावित मत लिख दिया गया, इसीलिए नोटिफिकेशन में बता दिया गया कि संभावित डेटें हैं। और दोस्तों, यहाँ पे सिलेबस को लेकर काफ़ी चिंता है, तो यहाँ पे पूरी डिटेल से हम बात करेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में सिलेबस रिलेटेड कि आपके किस किस सिलेबस में कक्षा 8 से 6 से 8 वर्ग के बच्चों का सिलेबस क्या होगा और आपके 9 से 10 वर्ग के बच्चों का और 11 से 12 वर्ग, तो तीनों वर्ग की बात करेंगे सिलेबस को नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को अधिक से शेयर करें, अगर दोस्तों पसंद आया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।